हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंशियल बैंड ब्रेक के एग्जांपल को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक मींस बोथ एंड्स ऑफ द बैंड आर अटैच्ड टू द लीवर एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द फल्क्रम। मान लीजिए ओ फल्क्रम है। सो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में क्या होता है, बैंड के दोनों एंड्स फल्क्रम से कुछ डिस्टेंस पर कनेक्टेड होते हैं। अगर सिंपल बैंड ब्रेक की बात करें तो वन एंड फल्क्रम के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड लीवर पर कुछ डिस्टेंस पर कनेक्टेड होता है। पर डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में क्या होता है, बोथ एंड्स ऑफ द बैंड आर अटैच टू द लीवर एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द फल्क्रम। सो फर्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंशियल बैंड ब्रेक की फिगर। सो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में जहां पर दोनों एंड्स बैंड के कनेक्टेड हुए, दो जहां पर कनेक्टेड होता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। मीन्स इतना बैंड ड्रम के ऊपर कनेक्ट होता है। सो यहां पर थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, और उसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ लिप। हमें फर्स्ट जो कंडीशन याद रखनी है वो फर्स्ट कंडीशन है, अगर ओ ए इज ग्रेटर देन ओ बी, मीन्स ओ ए ग्रेटर देन ओ बी, देन फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज कौन सी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, तभी ब्रेक अप्लाई होगी। अगर मान लीजिए ओ ए लेस देन ओ बी है, मीन्स ए जो डिस्टेंस है ओ ए वो ओ बी से अगर लेस देन है, सो फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, तभी ब्रेक अप्लाई होगा। मीन्स अगर हमें एग्जाम में जनरली हम क्या लेंगे कि ओ ए के डायरेक्शन OA की लेंथ ज्यादा लेंगे, OA का डिस्टेंस ज्यादा होगा एंड OB का डिस्टेंस कम होगा, देन फोर्स ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। फिगर आपको एग्जाम में दी जाती है, अगर OA लेस देन OB है तो फोर्स की डायरेक्शन आपको कौन सी इंडिकेट करनी है, अपवर्ड डायरेक्शन। सो यहां पर OA ग्रेटर देन OB, देन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। सो फर्स्ट हमें फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करनी है। सेकंड है थीटा, मींस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, और उसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ लिप। वो थीटा ऑलवेज हमें रेडियन में लेना है। अगर आपको बोला जाए कि 180 डिग्री है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वन, फॉर एग्जांपल 180 डिग्री है, सो डिग्री को हमें फर्स्ट किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। वो रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 180 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाय 180, सो रेडियन हो गया पाई रेडियन। सो फर्स्ट अगर एंगल आपको डिग्री में दिया जाता है तो डिग्री में से एंगल आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और कुछ इक्वेशन आपको यूज करने हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट आपको डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में जो इक्वेशन यूज करना है वो है T1 by T2 बराबर इज इक्वल टू e raised to mu theta, where T1 is equal to tension in the tight side of the band, T2 is equal to tension in the slack side of the band, mu is equal to coefficient of friction between the band and the drum, R is equal to radius of the drum, and T is equal to thickness of the band. T1 is equal to tension in the tight side of the band, means T1 and T2 हमें decide करना होगा। So generally drum की टू कंडीशन होती है, आइदर ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट करता है और आइदर ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। सो अगर ड्रम अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है सो इस साइड का बैंड क्या होगा, टाइट होगा। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेंशन इन द टाइट साइड T1। सो यहां से वो बैंड क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। सो यहां पर क्या आएगा, टेंशन इन द स्लैक साइड। सो फर्स्ट हमें T1 एंड T2 डिसाइड करना है। T1 क्या है, टाइट साइड, एंड T2 क्या है, टेंशन इन द स्लैक साइड। सो अगर ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो इस साइड क्या होगी, टाइट साइड, और अगर ड्रम और यहां से क्या हो जाएगा, स्लैक साइड। सो T2 क्या है, स्लैक साइड। फॉर एग्जांपल ड्रम क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है सो यहां से वो बैंड क्या होगा, टाइट होगा। सो यहां पर क्या आएगा, टेंशन इन टाइट साइड, और यहां पर क्या आएगा, टेंशन इन स्लैक साइड। और सिमिलरली अगर ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो इस साइड का बैंड क्या होगा, टाइट साइड, सो T1, और इस साइड का बैंड क्या होगा, स्लैक साइड। सो फर्स्ट हमें डिसाइड करना है T1 एंड T2। सो फर्स्ट हमें T1 एंड T2 डिसाइड करना है। सो अगर बैंड
अगर ड्रम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ए हो गई टाइट साइड एंड सिमिलरली ए हो गई स्लैक साइड. सो फर्स्ट हमें T1 एंड T2 डिसाइड करना है. सो T1 एंड T2 क्या है, अगेन टेंशन इन टाइट साइड ऑफ द बैंड एंड T2 मीन्स टेंशन इन द स्लैक साइड ऑफ द बैंड. म्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ लैप, आर क्या है, रेडियस ऑफ द ड्रम एंड टी मीन्स थिकनेस ऑफ द बैंड. सो फर्स्ट हमें एक इक्वेशन यूज करना है T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा. सेकंड इक्वेशन हमें यूज करना है ब्रेकिंग टॉर्क. ब्रेकिंग टॉर्क, टॉर्क का जनरली मीनिंग क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू हम जनरली क्या लिखते थे, फोर्स इंटू रेडियस. सो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, T1 माइनस T2 एंड ड्रम की रेडियस क्या है R. सो ब्रेकिंग टॉर्क का इक्वेशन क्या है, TB इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू R. सो इन एनी डिफरेंशियल बैंड ब्रेक एग्जाम्पल फर्स्ट हमें इक्वेशन यूज करना है T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा एंड सेकंड इक्वेशन यूज करना है ब्रेकिंग टॉर्क TB इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू R. जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट द फल्क्रम. मीन्स फल्क्रम से हमें मोमेंट लेनी है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट डिसाइड करनी है. सो फर्स्ट फल्क्रम कहां पर है, ओ पर. सो ओ से हमें मोमेंट लेनी है. सो ओ से अगर मोमेंट लेनी है तो ओ पर थंब प्रेस कीजिए. जहां पर फोर्स की जो डायरेक्शन हो उस डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट कीजिए. मीन्स यहां पर कौन सी डायरेक्शन में फिंगर रोटेट होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो पी इंटू फॉर एग्जाम्पल फलक्रम से फोर्स का डिस्टेंस है एल. सो मोमेंट कितनी हुई, पी इंटू एल. और वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो फर्स्ट हम लिख देंगे पी इंटू एल. सो फर्स्ट हम लिखेंगे पी इंटू एल, वो कौन सी डायरेक्शन में गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. फिर बाद में हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ T1 की डायरेक्शन देखनी है. सो T1 की डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे, अगेन हमें मोमेंट कहाँ से लेनी है, फलक्रम से. मीन्स O पर हमने थंब रख दिया. सिर्फ T1 की डायरेक्शन देखिए और T1 की डायरेक्शन में फिंगर को रोटेट कीजिए. सो यहाँ पर फिंगर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज. सो T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फलक्रम से कितना हुआ, B. सो T1 इंटू बी, इस तरह से अगर केस है. सो यहाँ पर T1 है, यहाँ पर O है. सो ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हुआ, T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी. सो पी इंटू एल क्लॉकवाइज में जा रहा था. सिमिलरली T1 इंटू बी भी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज. देन इक्वल टू करके आपको क्या लिख देना है, T2 इंटू ए. ऑलवेज एक पॉइंट रिमेंबर याद रखिए कि T1 एंड T2 ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. अगर T1 क्लॉकवाइज जा रहा है मीन्स T2 एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा. मीन्स T1 एंड T2 ऑलवेज ऑपोजिट में ही आएंगे. सो फर्स्ट हमने क्या किया, फलक्रम पर थंब प्रेस किया, P की डायरेक्शन ली, कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज. सो पी इंटू एल, सिर्फ हमें T1 की डायरेक्शन देखनी है. सो T1 इंटू बी, वो भी क्लॉकवाइज जा रहा है. सो ऑटोमेटिकली T2 आपको इक्वल टू के सामने रखना है. सो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, पी इंटू एल प्लस T1 इंटू बी इज इक्वल टू T2 इंटू ए. सिमिलरली हम एंटी क्लॉकवाइज के लिए फाइंड करते हैं. सो एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज अगर ड्रम रोटेट हो रहा है, सो ए कौन सी डायरेक्शन हुई, टेंशन इन टाइट साइड एंड यहां पर क्या हुआ, टेंशन इन स्लैक साइड. सो फर्स्ट हमें फलक्रम से मोमेंट लेनी है. यहां पर फलक्रम से इतना डिस्टेंस क्या होगा, एल. सो फलक्रम पर थंब प्रेस कीजिए और पी को रोटेट कीजिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स में. सो यहां पर कौन से डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज. सो पी और फलक्रम से डिस्टेंस कितना है, एल. सो पी इंटू एल कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो पी इंटू एल क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सिमिलरली फिर से O पर थंब रखिए, हमें कौन सी डायरेक्शन देखनी है, ऑलवेज टाइट साइड की. सो वो टाइट साइड की कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो इक्वल टू के सामने रखिए T1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फलक्रम से A, स्मॉल A जितना डिस्टेंस है. सो T1 इंटू A, मैंने एक बात कही कि T1 एंड T2 ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे. सो T1 अगर इस साइड है तो इक्वल टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या लिखना है, T2 इंटू B, क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, T2 का B. सो इस तरह से हम वो लास्ट इक्वेशन में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट फलक्रम पर थंब प्रेस कीजिए, P की डायरेक्शन में रोटेट किया,
तो यहां पर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज में, सो पी इंटू एल, और पी इंटू एल लिख दिया। फिर टी वन की डायरेक्शन देखिए, टी वन इंटू ए, वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो टी वन इंटू ए इक्वल टू के सामने, सो टी वन एंड टी टू दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे इक्वल टू में, सो टी टू हमें ऑलवेज कहां पर रख देना है, इक्वल टू के इस साइड, मीन्स टी वन जो हो उसकी ऑपोजिट साइड, सो टी टू इंटू बी। सो इस तरह से तीन इक्वेशन यूज कीजिए, आप इजिली एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई कंडीशन आपको दी गई है कि फॉर द ब्रेक टू बी सेल्फ लॉकिंग, अगर सेल्फ लॉकिंग कंडीशन दी गई है तो P मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सो यहां पर P क्या ले लेना है, जीरो, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर OA डिस्टेंस ज्यादा है OB से तो फोर्स की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड लेनी है, अगर OA लेस देन है OB से तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड लेनी है। एग्जांपल कहां से स्टार्ट करना है, अगर थीटा डिग्री में दिया गया है तो उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, मींस मल्टीप्लाई पाई बाय 180। फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, एंड सेकंड इक्वेशन यूज करना है टी बी इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू इंटू आर, और थर्ड फुलक्रम से मोमेंट लेनी है, फुलक्रम से मोमेंट कैसे लेते हैं, पी इंटू एल, टी वन एंड टी टू ऑलवेज इक्वल टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो इस तरह से आप डिफरेंशियल बैंड ब्रेक के एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।